दिल्ली एनसीआर में मॉनसून का असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन सुबह शाम ठंड और दिन में तेज धूप से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कहीं मौसम उनकी फिरकी तो नहीं ले रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला बदला सा है। अक्टूबर का महीना शुरू होने को है और साथ ही ठंड भी जल्दी दिल्ली में दस्तक देने वाली है। इसका असर भी दिखने लगा है। सुबह 6 बजे तक अंधेरा रहता है और सुबह शाम ठंड का एहसास भी होने लगा है, लेकिन दिन निकलते निकलते सूरज देवता के रौद्र रूप के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसे में लोग बोल रहे हैं कि मौसम फिरकी ले रहा है। हालांकि इस बार अगस्त और सितंबर में बारिश भी कम हुई है, इसके बावजूद मौसम में ये बदलाव जल्द ही शुरू हो गया है। खास तौर पर सुबह और शाम के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दोपहर में धूप जरूर है, लेकिन गर्मी का असर कम है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के मध्य तक अधिकतम तापमान में भी गिरावट महसूस होने लगेगी। सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही होगी। अब तक सितंबर के अंतिम दिनों में आमतौर पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास दर्ज होता रहा है, लेकिन इस साल ये 22 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान महज 22.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में सामान्यतः बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रह सकता है। हालांकि 4 अक्टूबर तक तापमान में और कमी आएगी। अलनीनो के असर की वजह से इस बार सर्दियों में दिल्ली एनसीआर कहीं अधिक प्रदूषित रह सकता है। एक्सपर्ट्स के माने तो अलनीनो के दौरान हवाएं काफी कमजोर रहती हैं। सर्दियों में इनकी रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम रहती है। ऐसे में इस बार प्रदूषण दिल्ली वालों को ज्यादा परेशान कर सकता है, तो उसी हिसाब से पहले ही अपने आप को प्रदूषण से बचाने की तैयारी करके रख लें। वहीं अभी से ही मौसम में आए इस बदलाव से जहां दिल्ली वालों को ठंड का इंतजार जल्द खत्म होता नजर आ रहा है, तो बदलते मौसम में सेहत का भी खास ख्याल रखिए, नहीं तो ऐसे मौसम में बीमार होने का खतरा भी ज्यादा ही रहता है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।